विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर बबराला नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवकों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। सभी स्वयंसेवकों ने समाज के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और सभी स्वयंसेवकों ने समाज में पर्यावरण को बचाए रखने के बारे में बताया। स्वयंसेवकों ने बताया कि वृक्ष है तो मनुष्य का जीवन संभव है, वृक्ष है तो जल है, जल है तो मनुष्य का जीवन संभव है। इस बात की अनुभूति हमने कोरोना काल में कि वृक्ष का कितना महत्व है जो हमारे जीवन के लिए चलाता है और हमारा जीवन पूरी तरह से वृक्षों पर आधारित है। इसलिए हम सब लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं और कम से कम संख्या में वृक्षों का कटान करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध और हमारा जीवन अच्छा रहे, हम किसी भी कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सक्षम रहे। इस अवसर पर नगर के स्वयंसेवक जगदीश वार्षणेय, कैलाश तिवारी, नीरज गौतम, गोपाल गौतम, राजीव कुमार, कपिल गुप्ता, सुनील शर्मा, भुवनेश शर्मा, दीपक शर्मा, सत्येंद्र गौतम, सुमित कुशवाहा, तेजपाल शास्त्री, बाबा खाटू श्याम के पुजारी आदि लोग। आज 5 जून को पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से नगर बबराला में स्वयंसेवकों के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। इस समय अपनी जो धरती है इसको, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं जो फलदार हैं और छायादार हैं। अभी देखा कि कोरोना संकट में बहुत बड़ी संकट आया था लोगों के सामने ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के संकट को दूर करने के लिए पेड़ों का जो कटान है होता जा रहा है, पेड़ कम होते जा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा नगर में जो भी अपने धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर मैदान है, अपने खेल के मैदान हैं, वहाँ पर हमने वृक्षारोपण, पूरे देश के लोगों को यहाँ पर आराम मिल सके और इसका फायदा मिल सके।